नमस्कार दोस्तों, इंदौर की इस पावन नगरी पे आप सबका तहे दिल से स्वागत है। इंदौर के लिए, इंदौर के विकास को जो आज हम लोग देख रहे हैं कि निरंतर एक प्रगति के पथ पर चल रहा है। चूंकि मैं इंदौर से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में हमारी 8 स्कूलें शिक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति कर रही हैं बॉम्बे में, जब मैं वहाँ का कल्चर, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का सिस्टम, वहाँ की एनवायरनमेंट को, जो एक बच्चों को दिया गया है, जो स्टूडेंट्स में एक वो कल्चर आया है कि जो आने वाले भविष्य के लिए, आने फ्यूचर के लिए न सिर्फ अपने खुद की बाकी सबके लिए उन्नति का रास्ता खोलने का एक माध्यम बना हुआ है। कई दिनों से एक विचार था, एक सोच थी कि हर एक को हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे भेज रहे हैं बच्चों को, उस एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, हर सिटी भेज रहे हैं। तो मैंने ये एक सपना लिया, एक संकल्प लिया कि क्यों नहीं उस बॉम्बे के कल्चर को या बॉम्बे को ही उठाकर हम यहाँ एक स्कूल को, जो हम वहाँ पर एक प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ जो दे रहे हैं, उस सिस्टम को मैं यहाँ उठा कर ले आऊँ। और ऐसी ही सोच के साथ ईवा वर्ल्ड स्कूल, जो 14 नवंबर को, जिसका हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं, एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंदौर के लिए, इंदौर के बच्चों के लिए प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो कि उनके डेफिनेटली विकास के लिए बहुत बड़ा एक योगदान प्रदान करेगा। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी प्रगति करे, तरक्की करे। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब शुरुआत से उनको, शुरुआत के स्टेज से एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो, प्लेटफॉर्म मिले, अरेंजमेंट हो कि जहाँ एजुकेशन के साथ साथ मानसिक और गेम्स के अंदर भी वो तरक्की कर सके। ये सारे प्लेटफॉर्म को लेके हम लोग चले हैं और ये सारी सब चीज़ें जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हम चाहेंगे कि इस इंदौर के बच्चों की ऐसी प्रगति हो कि जो हम लोग एक बाहर के सिटी में देखते हैं कि जो एक सोच बनी है, वो सोच को बदलना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और ये तभी संभव है जब हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे भी उस चीज़ को और लेकर आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से हम इसमें विश्वास है कि बच्चे ज़रूर प्रगति करेंगे अगर वो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। मुझे हर बार यही पूछा जाता है, बॉम्बे में भी जब हमें अभी अवार्ड मिले थे तो एक क्वेश्चन सबने पूछा कि सर आगे क्या, कौन सी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही लाइन कही थी कि मत पूछो कि मंजिलें कहाँ हैं, कि मत पूछो कि मंजिलें कहाँ हैं, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, ना रुके हैं ना रुकेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, खुद से ये वादा किया है। इस वादे के साथ, इस विश्वास के साथ ये नया वेंचर ईवा वर्ल्ड स्कूल, जो 14 तारीख को शुभारंभ हो रहा है, निश्चित रूप से हम हर फैसिलिटी, हर बच्चे के लिए उन्नति के लिए ये सब चीज़ें करने जा रहे हैं। पेरेंट्स के लिए एक सोच यही है कि जो मैंने बताया आपको, पहले बोला कि हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि बच्चा मेरे से आगे चले, मेरे से आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे। और ये तरक्की संभव कब है? ये तभी संभव है जब बच्चों के अंदर शुरुआत से ही वो एजुकेशन का सिस्टम, वो एक भावना, वो तरक्की का एक सिस्टम उनको मिले। उनको एक शुरुआती दौर से जब वो निकलेंगे इस तरीके से,
डेफिनेटली वो तरक्की करेंगे और माँ बाप को एक सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने आज ईवा वर्ल्ड स्कूल में एडमिशन करा के एक निश्चिंता की एक अच्छे फ्यूचर्स की वो कामना कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि उनको एक अच्छा फ्यूचर, उनका अच्छा भविष्य बच्चों के लिए मिलेगा। देखिए, जो एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, मैं जब यहाँ के बच्चों से मिलता हूँ, जब उनसे बातचीत होती है, तो कई जगह मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम दिशाहीन हैं। वो एम्स जो उनका एक होना चाहिए, शुरुआत से ही उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो ये सोच उनकी एक बन जाए कि यस, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़कर और यहाँ तक कि मेरा फ्यूचर जो है मुझे आगे बढ़ाना है, एक फ्यूचर पहले तो मिल जाए उनको कि यस, मुझे एक प्लेटफॉर्म अच्छा चाहिए कि मैं बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ, जिससे वो दिशाहीन नहीं हो। दूसरा, मैंने एक देखा है कि अभी भी जब वो बातचीत करते हैं, जब वो मिलते हैं, तो एक अजीब सा एक लगता है कि बस एक लिमिटेड एजुकेशन या लिमिटेड चीज करके हम लोग बस सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मुझे एक सर्विस करना है या मुझे एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है। वो वहाँ तक उनकी सोच एक रह जाती है। मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म से मिलके जब उनका एजुकेशन उस टाइप से हो तो वो एक उनकी बड़ी सोच हो, क्योंकि जहाँ हमारी सोच बड़ी होगी तभी हम बड़े सोच के साथ साथ उसको हासिल कर सकेंगे। और ये तभी संभव है कि वो सब चीज़ें उनको बताई जाए कि आपको इस फील्ड के अंदर यहाँ तक इस तरीके को आप कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे नेशनल लेवल के ऊपर गेम्स के अंदर अवार्ड ले सकते हैं, आपका सिलेक्शन अच्छा टीम के अंदर होगा, इंडियन टीम के अंदर होगा। ये सब चीज़ें जब हम प्रोवाइड करेंगे और जब वो देखेंगे कि यस, मुझे ये सब मिल रहा है, तो उनका विश्वास जो आज एक ये है कि बस मुझे एक सामान्य जीवन जीकर कि एक नॉर्मल एक मीडियम क्लास की जो फैमिली है वहाँ तक के रहना है। मैं कहता हूँ ये क्यों, ये सोच को हमको बदलना होगा। आज हम क्यों नहीं हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में हम खड़े रह सकते हैं, क्यों नहीं कंधे से कंधा मिला के आगे चलें? और ये तभी संभव है जब एक अच्छे प्लेटफॉर्म से शुरुआत करें। मेरा तो इतना ही कहना है। देखिए, बहुत अच्छा दिन है 14 नवंबर का दिन, एक बाल दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, चाचा नेहरू के रूप में जो लोग अब जो स्टूडेंट्स जो बच्चों से प्यार करते थे हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका एक यही सोच था कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इन बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन, अच्छा विचार उनको अगर मिले तो डेफिनेटली वो तरक्की कर सकते हैं। भविष्य दिखता है हमको, हर एक बच्चे में एक उज्ज्वलता और एक अच्छे बच्चों की निशानी दिखती है कि वो बहुत आगे तरक्की करें। इस विश्वास के साथ वो बच्चों के साथ बहुत स्नेह करते थे और यही प्यार, यही स्नेह, यही विश्वास हम 14 नवंबर के दिन, एक उद्घाटन के दिन दिखाना चाहते हैं कि यस, हमारी जो उम्मीदें हैं, हम लोग जो एक समाज के लिए, समाज के विकास के साथ साथ बच्चों का विकास तभी संभव है जब उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिले और एक सामाजिक उनका कर्तव्य क्या है, समाज को कैसे आगे लेके चलना है, तभी हम खुद के विकास के साथ साथ समाज को और इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये एक सोच, ये एक न्यू उनके मन में पहले से डालनी है कि यस, आप अच्छे पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से, किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि आपकी सोच में परिवर्तन आ सके। बच्चों का वेलकम करने के लिए फुल्ली तैयार हैं, आइए और ज्वाइन कीजिए ईवा फैमिली में। ज्वाइन, आपका मोस्ट वेलकम।